चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। करनाल को पुंडरी होकर कैथल से जोड़ने वाला राज्य राजमार्ग करनाल से पश्चिम में लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर बसा कैथल जनपद की चार तहसीलों में एक पुंडरी। पूर्व में करनाल की ओर से शहर में प्रवेश करने के पश्चात पुंडरी के फतेहपुर चौराहा से साक्षात्कार होता है। यह महत्वपूर्ण चौराहा शहर के प्रमुख चौराहों में एक है। इसी चौराहे पर थाना फतेहपुर का परिसर स्थित है। यहाँ से दक्षिण में पुंडरी मुख्य बाजार, उत्तर में देवी मंदिर मार्ग एवं पश्चिम में मुख्य राजमार्ग कैथल की ओर बढ़ जाता है। पुंडरी में वर्तमान में लगभग 37,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह कैथल जिले में कैथल एवं चीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। मुख्य मार्ग से सटा हुआ पुंडरी का बस स्टैंड स्थापित है। यहाँ करनाल कैथल समेत आसपास के अनेकों शहरों हेतु बस सेवाएं संचालित होती हैं। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मुख्य राजमार्ग पुंडरी शहर के एक और महत्वपूर्ण चौराहे गुरु ब्रह्मानंद चौक से होकर गुजरता है। इस महत्वपूर्ण चौराहा से उत्तर में जाने वाली सड़क ढांड होकर पेहोवा की ओर जाती है। दक्षिण में पाई रोड पाई होकर राजौंद एवं पश्चिम की सड़क जिला मुख्यालय कैथल की ओर प्रस्थान कर जाती है। कैथल की दूरी पुंडरी से लगभग 16 किलोमीटर की है। फतेहपुर चौराहा से उत्तर में फतेहपुर की आबादी का क्षेत्र स्थित है, जिसे कुछ वर्ष पूर्व ही नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। कुछ ही दूरी पर फतेहपुर में ऐतिहासिक देवी मंदिर स्थित है। मंदिर का इतिहास 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मंदिर परिसर में विशालकाय हनुमान प्रतिमा एवं प्राचीन कुंड भी स्थित है। यहाँ दोनों नवरात्रों के समय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। फतेहपुर चौराहा से दक्षिण में मुख्य पुंडरी शहर में प्रवेश किया जाता है। सब्जी मंडी, अनाज मंडी आदि इसी मार्ग से सटी हुई हैं। पुंडरी ब्रिटिश काल में करनाल जिले के कैथल तहसील का एक भाग था। हरियाणा राज्य के गठन के पश्चात इसे हरियाणा में सम्मिलित कर दिया गया। 1973 में कुरुक्षेत्र जनपद का गठन होने पर यह कुरुक्षेत्र के हिस्से में आया। 1989 में कैथल जिले का सृजन किया गया एवं इसे कैथल से जोड़कर तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया गया। मुख्य सड़क खबरी चौराहा आदि से होकर पुंडरीक तीर्थ गौघाट चौराहा पर पहुंच जाता है। मुख्य चौराहे पर ही ईश्वर सिंह महिला महाविद्यालय स्थित है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से दक्षिण में मुख्य बाजार प्रारंभ होता है। पुंडरीक तीर्थ पर विशालकाय सरोवर स्थित है, जो वर्तमान में जलविहीन है। सरोवर के चारों ओर अनेकों ऐतिहासिक मंदिर स्थापित हैं। पुंडरीक तीर्थ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। दक्षिण की ओर मुख्य बाजार में अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। पुंडरी में आसपास के ग्रामीण एवं नगर के लोग बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। मुख्य बाजार पुरानी सब्जी मंडी से होकर दक्षिण की ओर पाई रोड की ओर निकल जाता है। पुंडरीक तीर्थ से दक्षिण पश्चिम में जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क बाजार क्षेत्र से बाईपास होकर नगर के अनेकों भागों से होते हुए पाई रोड की ओर निकल जाती है। रजौंद एवं पाई की ओर से आने वाली महत्वपूर्ण सड़क दक्षिण की ओर से पुंडरी में प्रवेश करती है एवं बाईपास होकर शहर के ब्रह्मानंद चौक पर जुड़ जाती है। पुंडरी नगर में आना, इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए एक अनूठा अनुभव था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पुंडरी पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो पुंडरी एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।